वेलकम टू सारांश एजुकेशन एकेडमी। आज हम देखेंगे कैसे एक नंबर को हम लोग कम टाइम में रैशनलाइज करेंगे। रूट टू माइनस फाइव बाई रूट टू प्लस फाइव प्लस रूट टू प्लस फाइव बाई रूट टू माइनस फाइव। तो उसको करने से पहले एक टेक्निक देखिए, जो टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि ये वो रूल को यूज यहाँ पे करेंगे तो कम टाइम पे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ए माइनस बी बाई ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। एलसीएम लेते हैं तो ये दो टर्म का एलसीएम आएगा क्या, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल, तो ये हो गया टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हमको पता चलता है जब ए माइनस बी बाई ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी होगा तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे टू होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट इसमें क्या करेंगे, सपोज ये प्लेस पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर इसका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस टू ए बी हो जाएगा। ओके, ये टू ए बी हो गया। तो ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी क्या हो गया, माइनस फोर ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हमको पता चलता है जब ए माइनस बी बाई ए प्लस बी होगा एंड ए प्लस बी बाई ए माइनस बी होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस फोर ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो फिर यहाँ पे डालते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब डालेंगे क्या आ जाएगा, टू होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म क्या है, रूट टू, रूट टू का स्क्वायर ऐसे ले लीजिए, टू होल इंटू ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइव का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर। सो नाउ टू रूट टू का स्क्वायर इज टू, फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव बाय रूट टू का स्क्वायर टू माइनस फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव। सो टू इंटू ट्वेंटी सेवन बाय टू माइनस ट्वेंटी फाइव इज माइनस ट्वेंटी थ्री। सो फिफ्टी फोर बाय माइनस ट्वेंटी थ्री इज द आंसर। ओके, बट ये सेम क्वेश्चन होता बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाता है कि माइनस फोर ए बी होल इंटू ए स्क्वायर बाई हमें हम लोगों को डालना है। तो इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फोर ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे माइनस फोर इंटू फर्स्ट टर्म इज
रूट टू, सेकेंड टर्म इज फाइव, फर्स्ट टर्म इज रूट टू का स्क्वायर, ओके, देन माइनस फाइव का स्क्वायर, ओके. सो नाउ फाइव फोर ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी रूट टू बाय रूट टू का स्क्वायर टू माइनस ट्वेंटी फाइव. सो माइनस ट्वेंटी रूट टू बाय माइनस ट्वेंटी थ्री इज द माइनस ट्वेंटी थ्री. सो माइनस माइनस कैंसल, ट्वेंटी रूट टू बाय ट्वेंटी थ्री इज द आंसर. ओके, और एक चीज देखते हैं. इसमें सपोज एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये सेम चीज में अल्टरनेट होगा, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बाय ए प्लस बी है. तो इसमें क्या होगा, वही सेम रहेगा. इसमें ये सीक्वेंस में चेंज हो जाए तो भी ये रहेगा टू ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस रहेगा तो ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. ऑलवेज भी टू ए बी कैंसिल हो जाएगा इसमें अल्टरनेट होने से. बट इसमें क्या होता है, ये जो सीक्वेंस है, जैसे कि ये ए माइनस बी है बट ऊपर में ए प्लस बी आ जाता है, तो ये एलसीएम लेने के टाइम पर ये आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, बट ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. कब आएगा, जब ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी हो जाता है, तब ये एक केस में आ जाएगा. तो इसमें क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल एंड दिस वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आंसर आ जाएगा फोर ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो इसमें आ गया क्या, फोर ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमको याद रखना है डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक, कोई भी प्रॉब्लम हो रैशनलाइज हमको करना है तो हम क्या करेंगे, इसको दो लाइन तीन लाइन में बता देता हूँ ताकि इजीली हम इसको याद रख सकें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जब a प्लस बी बाई ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी है, तो इसमें हम लोगों को याद करना है क्या, माइनस जब होगा तब फोर ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जब ऊपर में यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे माइनस होगा. बट जब यहाँ पे a माइनस बी बाई ए प्लस बी है और माइनस है एंड a प्लस बी बाई ए माइनस बी है, तब ये हो जाता है माइनस फोर ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बट दोनों केस में जब प्लस होगा, प्लस a माइनस बी बाई ए प्लस बी है, यहाँ पे प्लस होने के टाइम पे ये हमेशा रहेगा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ये ए माइनस बी बाई ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी रहने के टाइम पर भी सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको हम याद रखेंगे तो कोई भी इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. और हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको टाइम लेके सॉल्व करें. जैसे कि और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं इसी फार्मूला के ऊपर आधारित करके कि कैसे हम सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन को. सपोज ये क्वेश्चन ले लिए, रूट सेवन प्लस रूट टू बाय रूट सेवन माइनस रूट टू माइनस रूट सेवन माइनस रूट टू बाय रूट सेवन प्लस रूट टू. तो यहाँ पे माइनस है तो हमको पता है, तो क्या हो जाएगा, ये फोर ए बी आ जाएगा. तो डायरेक्ट डालेंगे फोर, फर्स्ट टर्म क्या है रूट सेवन है, सेकेंड टर्म क्या है रूट टू है, डिवाइड ये हो गया कितना ना रूट सेवन का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है रूट टू का स्क्वायर.
तो 4 इंटू रूट 7 इंटू रूट 2 हो गया रूट 14, बाय रूट 7 का स्क्वायर है 7, रूट 2 का स्क्वायर है 2, तो ये हो गया 4 रूट 14 बाय 5 इज द आंसर।